subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में देखते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सबसे ज़्यादा क्या आता है क्वेश्चन, अच्छा खासा इससे आपको रहता है। तो सबसे बेसिकली देखते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि ब्लड जो है, रक्त जो है, यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको जान लेना है कि आपको दे देगा ब्लड इज, ब्लड होता है, तो क्या है भाई, यह एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक होता है। तो पहला तो लिखेंगे हम लोग कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। सबसे पहला कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, यानी कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अंडरलाइन करने लेने वाली बात यहाँ पर है कि पहला तो यह कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड, यानी कि आपको पूछ दे ब्लड किस प्रकार का ऊतक है या टिश्यू है, तो यह क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। आप देखिएगा ब्लड का क्या होता है, दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, एक ठोस भाग जिसको सॉलिड पार्ट कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, द्रव वाला भाग जिसको हम लोग लिक्विड पार्ट कहते हैं। जैसे आप मिल्क को देखते हैं, दूध को देखते हैं, तो देखने में कैसा अपीयर होता है भाई, लिक्विड की तरह अपीयर होता है, द्रव की तरह अपीयर होता है। लेकिन वही अगर दूध फट जाए तो देखिएगा उसका छेना वाला भाग अलग हो जाएगा और पानी वाला भाग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ लिक्विड दिख रहा है, द्रव दिख रहा है, तो उसमें सॉलिड वाला पार्ट नहीं है, उसमें भी सॉलिड वाला पार्ट है। उसी तरह ब्लड में भी क्या होता है, दो भाग है, दो पार्ट है, एक को क्या कहते हैं हम लोग सॉलिड पार्ट, ठोस भाग, और दूसरे को क्या कहा जाता है, लिक्विड पार्ट। तो अगर देख लिया जाए तो ब्लड जो है इसका दो भाग होता है, रक्त जो है इसका दो भाग है। पहला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड पार्ट, और दूसरा जो इसका भाग हो जाएगा वह आपका हो जाएगा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट का दूसरा नाम आपका क्या है, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। और लिक्विड पार्ट जो है यह आपका क्या आ जाता है, लिक्विड पार्ट में क्या आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है कि ब्लड हैज़ टू पार्ट्स, ब्लड हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, रक्त का दो मुख्य भाग है, एक ठोस भाग एक द्रव भाग। ठोस भाग को क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट कहेंगे, और द्रव वाले भाग को, लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाएगा, आपको प्लाज्मा कहेंगे। ठोस भाग जो होता है इसका तीन भागों में बांटते हैं, एक को कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, दूसरे को कहा जाता है वाइट ब्लड सेल, और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटलेट। तो रक्त का जो सेल वाला पार्ट है, कोशिका वाला भाग है, वही आपका क्या होता है, ठोस भाग होता है। आरबीसी जिसको लाल रक्त कण कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कण कहते हैं, और तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट। तो रेड ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, आरबीसी लिखेंगे, वाइट ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी लिखते हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार हम समराइज कर दें, यहाँ तक बता दें कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, ब्लड एक आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। पूछ देगा ब्लड का कितना पार्ट होता है, कितना भाग होता है, तो ब्लड का दो मुख्य पार्ट होता है, दो मेन पार्ट होता है, ब्लड का दो मेन पार्ट होता है। पहला सॉलिड पार्ट जिसको ठोस भाग कहते हैं, दूसरा क्या होता है, लिक्विड पार्ट जिसको द्रव वाला भाग कहते हैं। सॉलिड पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और लिक्विड पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि रक्त के सॉलिड पार्ट के बारे में, ठोस भाग में बात कर रहे थे। तो रक्त का जो ठोस भाग है उसको हम लोग ब्लड सेल्स भी कहते हैं या ब्लड कॉर्पसस भी कहते हैं, जिसमें क्या बताए थे, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, और तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट। आरबीसी का जो दूसरा नाम है इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी का जो दूसरा नाम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। WBC को क्या कहा जाता है, जो सेकेंड नेम है इसका, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट।
तो आरबीसी का अगर हम बायोलॉजिकल टर्म देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट और इसका क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। मेरे हिसाब से इरिथ्रोसाइट दो शब्दों से मिलके बना है, इरिथ्रो, इरिथ्रो मीन्स लाल, और साइट जिसका मतलब क्या हो गया, सेल यानी कि कोशिका। तो भाई जो लाल कोशिका है वह क्या हो गया, रेड ब्लड सेल। दूसरा आ जाता है ल्यूकोसाइट, जिसमें ल्यूको का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, वाइट यानी कि श्वेत, और साइट मतलब अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, सेल यानी कि कोशिका। तो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या कहें, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट दो शब्दों से मिलके बना है, इरिथ्रो प्लस साइट। इरिथ्रो मीन्स लाल यानी कि रेड, और साइट मीन्स कोशिका। ल्यूकोसाइट अगेन दो शब्दों से मिलके बना है, ल्यूको मीन्स वाइट और साइट मीन्स कोशिका। और आपका थ्रोम्बोसाइट हो गया, ये आगे हम लोग बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग में कि थ्रोम्बोसाइट इसका नाम क्यों पड़ा, रक्त के स्कंदन में इसकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और जैसा कि हम बताएं, इरिथ्रोसाइट दो शब्दों से मिलकर बना है, इरिथ्रो जिसका मतलब लाल होता है, और साइट जिसका मतलब आपको क्या होता है, कोशिका होता है। तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो प्लस साइट। अब आगे देखते हैं आरबीसी काउंट किसको कहते हैं। अक्सर आप लोग ब्लड जांच करवाने जाते होंगे तो कहा जाता होगा कि आरबीसी काउंट बढ़ गया है या आरबीसी काउंट घट गया। आखिर आरबीसी काउंट है क्या, तो आरबीसी के नंबर को, आरबीसी के संख्या को क्या कहा जाता है, आरबीसी काउंट कहा जाता है। और ह्यूमन में क्या होता है, इसका जो नंबर है 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। फीमेल में इसका संख्या कम होता है, मेल में इसका संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आरबीसी काउंट जो होता है या बढ़ भी सकता है या आरबीसी काउंट घट भी सकता है। एनीमिया के केस में और रक्तता के केस में आरबीसी काउंट क्या होता है, घटता है। अगर हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर आरबीसी काउंट क्या होता है, बढ़ता है। आखिर हायर एल्टीट्यूड पे होता क्या है जो आरबीसी काउंट बढ़ता है, तो हायर एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है, अमाउंट जो है, वह क्या होता है, कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए आरबीसी के नंबर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली पूछ दे कि आरबीसी काउंट किसको कहते हैं, तो द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। आरबीसी के संख्या को क्या कहा जाता है, आरबीसी काउंट कहा जाता है। इसका संख्या बढ़ भी सकता है या इसका संख्या घट भी सकता है। जब आरबीसी का संख्या एनीमिया के केस में घटता है और ऊंचाई पे जाने पे इसका संख्या क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखते हैं कि आरबी, हम बताएं, जैसा कि हम लोग बताएं कि आरबीसी का नंबर या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, या हम ऐसे कहें कि आरबीसी काउंट में इंक्रीज और डिक्रीज। तो भाई आरबीसी काउंट के बढ़ने को क्या कहा जाता है, पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। और आरबीसी काउंट जब घटता है तो इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोपेनिया कहते हैं। इरिथ्रोपेनिया को भी अगेन हम यहाँ पर दो शब्दों में क्या कर सकते हैं, बाँट सकते हैं कि इरिथ्रो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेनिया। इरिथ्रो मीन्स फिर अगेन क्या हो जाएगा, रेड यानी कि लाल, और पेनिया मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिक्रीज या घटना होना चाहिए। कहीं भी ब्लड में, ब्लड जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर कहीं भी पेनिया शब्द लगा हुआ है तो समझ जाइएगा उसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे इरिथ्रोपेनिया आरबीसी का घटना, इरिथ्रो मतलब लाल और पेनिया मतलब घटना। अगर आगे ब्लड में पढ़ रहे हैं ल्यूकोपेनिया, तो ल्यूको मतलब हम बताए थे वाइट होता है, और पेनिया मतलब अगेन क्या हो जाएगा, घटना। यानी कि डब्ल्यूबीसी का संख्या अगर घटता है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, ल्यूकोपेनिया। अगर आरबीसी का संख्या घट रहा है तो उसको क्या कहेंगे
हम लोग इरिथ्रोपेनिया। तो यहाँ पे बेसिकली ब्लड में अगर पेनिया वर्ड देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो पेनिया जहाँ देखिएगा समझ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना। इरिथ्रोपेनिया आरबीसी का घटना, ल्यूकोपेनिया आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का घटना। अब हम आ जाते हैं कि आरबीसी का निर्माण क्या कहलाता है। तो आरबीसी के निर्माण के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फिर अगेन यहाँ पे जहाँ भी आपका पोइसिस शब्द होगा ब्लड में उसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। देखिए लाल के लिए हम लोग कौन सा वर्ड उपयोग किए, इरिथ्रो, उसमें पोइसिस वर्ड जोड़ देंगे तो इरिथ्रो जोड़ पोइसिस यानी कि इरिथ्रोपोइसिस, इसका मतलब हो गया आरबीसी का निर्माण। डब्ल्यूबीसी के लिए, वाइट के लिए कौन सा वर्ड उपयोग किए, ल्यूको, और उसमें कौन सा वर्ड जोड़ देंगे, पोइसिस, तो ल्यूको जोड़ पोइसिस बराबर ल्यूकोपोइसिस, इसका मतलब हो गया डब्ल्यूबीसी का निर्माण। प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, तो उसमें से थ्रोम्बो वर्ड को निकाल लेते हैं और थ्रोम्बो प्लस पोइसिस क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि प्लेटलेट का निर्माण। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर पोइसिस शब्द कहीं भी देखेंगे ब्लड में इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस कहा जाएगा, जिसको हम चर्चा भी कर दिए हैं कि इरिथ्रो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाल होगा और पोइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ पर होगा, बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। इसको हम लोग डिटेल करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का आयु काल क्या होता है। ठीक है, अब आरबीसी का स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता, कोशिकांग नहीं होता। इसकी दो वजह है, क्योंकि आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है, वह ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन ढोना है। अगर ऑर्गेनल से, कोशिकांग से ही इसका अगर स्पेस भरा रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ढो पाएगा। और सेकेंड वन क्या है, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनल हैं जो खुद ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो अगर ऑर्गेनल डाला जाए तो यह ऑक्सीजन को खुद कंज्यूम कर लेंगे और एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाएंगे। अब आते हैं हम लोग, इसका नाश कहाँ होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो नाश होता है वो कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है, इसलिए इसको कब्रगाह भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि आरबीसी का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका अगला पार्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।